मोर पंख का इस्तेमाल अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर किया जाता है। बहुत लोग इसकी खूबसूरती के लिए इसे साज सज्जा में इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि मोर पंख आपकी आने वाली बहुत सारी परेशानियों को और आपके घर के दोष को भी बहुत हद तक दूर कर सकता है। मोर पंख आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मोर पंख में बहुत सारे देवी देवताओं और नौ ग्रहों का वास होता है। मोर पंख अलग अलग रूप में बहुत सारे देवी देवताओं का आभूषण है। भगवान कृष्ण, माता सरस्वती, कार्तिकेय और शिव पुत्र गणेश को मोर पंख अति प्रिय होता है। यहाँ तक कि भगवान इंद्र को भी मोर पंख अति प्रिय होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मोर पंख आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान किस तरह कर सकता है और इसे कहाँ लगाना चाहिए, तो आइए देखें। मगर उससे पहले बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। मोर पंख हर मैरिड कपल को अपने बेडरूम में कृष्ण भगवान की तस्वीर के साथ जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं कि अगर बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर मोर पंख के साथ लगाया जाए तो वैवाहिक जीवन में कभी किसी तरह की परेशानियां नहीं आती, और अगर परेशानियां चल रही होती हैं तो वो भी खत्म हो जाती हैं। जीवन सुखमय बनता है और जोड़ियों के बीच प्यार अति से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर आपको पुत्र की इच्छा है या आप चाहते हैं कि आपके घर में नन्हे नन्हे बच्चे खेलें, तो आपको अपने घर में बाल गोपाल को मोर पंख वाले कपड़े पहनाने चाहिए और उनकी हर दिन पूजा करनी चाहिए। अगर आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो भी मोर पंख आपके लिए बहुत लाभदायक है। मोर पंख को अपने पास रखने से आपको जीवन में धन की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी और आपका रुका हुआ धन भी निकलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको मोर पंख अपने घर में या अपने कामकाज वाली जगह पर रखना चाहिए, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। धन संबंधित समस्याओं के लिए मोर पंख आप अपने लॉकर रूम में या उस जगह पर जहां पर आप अपना कैश या सोना वगैरह रखते हैं वहां पर रख सकते हैं। इसी तरह आप अपने बच्चों के पढ़ाई के कमरे में भी सरस्वती माँ की तस्वीर के साथ मोर पंख लगा सकते हैं। इससे आपके बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा। बड़े बच्चे अपनी किताब के अंदर मोर पंख रखेंगे तो उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ आकर्षित होगा और मन पढ़ाई में लगेगा। ऐसा करने से बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता भी बढ़ती है। आप अपने बेडरूम में भी मोर पंख लगा सकते हैं। ये भी आपको आर्थिक समस्याओं से बचाएगा और आपके घर में अगर कोई मतभेद चल रहा होगा तो वो भी काफी कम हो जाएगा। बेडरूम में पूर्व की दिशा में या फिर दक्षिण पूर्व की दिशा में मोर पंख लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके सभी हुई रुके हुए कार्य अपने आप ही धीरे धीरे चल निकलेंगे, नई राहें अपने आप ही खुलती जाएंगी। ये तो आप जानते ही होंगे कि दरवाजे पे गणेश जी का चित्र लगाना या गणेश जी की प्रतिमा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, पर क्या आपको पता है कि दरवाजे पे गणेश जी की प्रतिमा के साथ अगर आप मोर पंख भी लगा देते हैं तो आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष होगा वो अपने आप दूर हो जाएगा और आपको इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्य द्वार पे गणेश जी की प्रतिमा के साथ मोर पंख लगाने से आपके घर में कभी किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कभी भी नहीं पड़ेगा। जो लोग राहु की दशा से जूझ रहे हैं उन्हें रात को सोते वक्त अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखना चाहिए। इससे उन्हें तुरंत प्रभाव पता चलेगा। घर में
मात्र मोर पंख रखने से हर तरह के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर में पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता अपने आप बढ़ जाती है। मोर पंख लगाना बहुत ही शुभ होता है। सबको अपने घर में मोर पंख जरूर जरूर लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख होता है और वहीं हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान इंद्र मोर पंख के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। मोर पंख ज्योतिष और वास्तु शास्त्र की बहुत सारी विद्याओं में निपुण माना गया है। ऐसा कहते हैं कि मोर पंख के इस्तेमाल से बहुत सारे ग्रह दोष और बहुत सारे वास्तु दोष अपने आप ही दूर हो जाते हैं। आपको अपने घर में मोर पंख जरूर रखना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपका अपने आप ही हो जाएगा। पूजा घर में मोर पंख रखना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, ये बहुत सारे देवी देवताओं को अति प्रिय होता है। तो अपने घर में मोर पंख जरूर रखें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये है समंदर के वो मोती जिससे दुनिया में अच्छे आदमी की पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये है समंदर के वो मोती जिससे एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक बड़ी प्यारी सी घटना कहकर मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। कहते हैं एक वयोवृद्ध संत बीच सड़क पर बैठे थे और बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे थे सड़क के बीचों बीच। घटना थोड़ी पुरानी है। कहते हैं उस नगर के राजा की सवारी उधर से गुजर रही थी और जब राजा की सवारी उधर से गुजर रही थी तो बिल्कुल आगे आगे जो सफाई कर्मी चल रहे थे उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अबे ओए बाबा हट यहां से, राजा की सवारी आने वाली है, तू सड़क पर बैठा है, उठता है कि झाड़ू की टिकाए। बाबा ने तो कोई जवाब दिया ही नहीं, महाराज तो अपने बैठे रहे और वो सफाई कर्मी उन्हें डांटते हुए उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हुए आगे निकल गए और सफाई कर्मियों को आगे जाते हुए देखकर बूढ़े संत के मुंह से निकल पड़ा, ओ तभी तो। वो सफाई कर्मी आगे बढ़े, उसके पीछे सिपाही आए और उन्होंने भी लठ मार की भाषा में कहा, बाबा उड़ जाओ, पीछे राजा की सवारी आ रही है, अरे पकड़ लेंगे तुम्हें और जेल में डाल देंगे, कारागार में डाल देंगे, महाराज उड़ जाओ यहां से, उड़ जाओ नहीं तो जूते पड़ेंगे जूते। वो भी आगे चले गए और उन्हें देखकर फिर उस वयोवृद्ध संत के मुंह से निकल पड़ा, ओ तभी तो। थोड़ी देर में राजा की सवारी आती हुई नजर आई। आगे आगे मंत्री चल रहा था व्यवस्था के लिए तो उसने महाराज के पास आकर कहा, महाराज नमस्कार, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, पीछे राजा की सवारी आ रही है, आप थोड़ी सी तकलीफ करके सड़क के किनारे बैठ जाओ और जब राजा की सवारी निकल जाए तो वापस सड़क पे आके बैठ जाना। अगर आपकी इच्छा है आपको बीच सड़क पे बैठना है नो प्रॉब्लम, पर आप थोड़ी देर के लिए सड़क के किनारे बैठ जाओ, राजा की सवारी निकल जाए तो बीच में बैठ जाना, कहीं राजा नाराज हो गया तो मुश्किल हो जाएगा आपके। वयोवृद्ध संत ने उसको भी देखा, पूछा तुम कौन हो, कहा मैं शहर का मंत्री हूं महाराज, मंत्री हूं, बाबा हट जाओ किनारे अलग जाओ। संत ने मंत्री को आगे गुजरते देखकर कहा, ओ तभी तो। मंत्री चौंका, ये तभी तो क्या होता है। इतने में राजा की सवारी आ गई। मंत्री ने राजा से कहा, राजन क्षमा करें, हमने इस संत को वयोवृद्ध संत को 5 बार समझा दिया, हमारे सफाई कर्मियों ने समझा दिया, हमारे सिपाहियों ने समझा दिया, मैंने समझा दिया, ये खिसकने का नाम नहीं ले रहा है और जो बोले उसको एक ही जवाब दे रहा है, तभी तो तभी तो तभी तो तभी तो, महाराज समझ में नहीं आ रहा है। तो राजा ने कहा, भाई इसमें इस वयोवृद्ध संत को हटाने की क्या जरूरत है, महाराज आप बैठो आराम से बैठो, अगर आपको सड़क के बीच में बैठकर भगवान का भजन करना है आराम से करो, नो प्रॉब्लम, हमारी सवारी नीचे ले लो, थोड़ी आगे जाके वापस सड़क पर आ जाएंगे। राजा की सवारी यूं नीचे उतरने लगी, कच्चे रस्ते की तरफ जाने लगी, सड़क के नीचे उतरने लगी और उस वयोवृद्ध संत ने राजा की ओर देखकर कहा, ओ तभी तभी तो। मंत्री ने कहा, महाराज सवारी रोकिए, इस वयोवृद्ध संत का बात समझ में नहीं आ रही है, ये सबको एक ही डोरी से हांक रहा है,
सिपाहियों को कहता है तभी तो, सफाई कर्मचारियों को कहता है तभी तो, मुझे कहा तभी तो, और आपने को कहा तभी तो, इसको पूछे सही तभी तो का मतलब क्या है? राजा नीचे उतरे, उतर कर वयोवृद्ध संत को प्रणाम करके कहा, महाराज इसका राज क्या है? आपने मुझे भी तभी तो कहा, मेरे मंत्री को तभी तो कहा, मेरे सिपाहियों को तभी तो कहा, और मेरे सफाई कर्मचारियों को तभी तो कहा, तो इसका मतलब क्या है? संत ने कहा, मेरे भाई राजन, ये तभी तो नहीं, ये तो आदमी की पहचान है कि आदमी का मूल व्यक्तित्व क्या है। तुम्हारे सफाई कर्मचारियों को बोलना नहीं आता था, आते ही हो हल्ला चीख चिल्लाहट करने लगे, मुझे कहने लगा उठो यहां से, भगो यहां से। मैं समझ गया इनको बोलना नहीं आता, तभी तो ये जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, केवल यहीं के यहीं रह गए महाराज। और आपके सिपाही आए, वो भी चिल्लाते हुए बोल रहे थे, मुझे तब महसूस हुआ आखिर ये लोग जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, क्योंकि इनको बोलना नहीं आता। लेकिन मंत्री ने आकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज किनारे बैठ जाओ, मैं समझ गया इसको अदब से बोलना आता है, तभी तो इसको ईश्वर ने मंत्री बनाया। लेकिन महाराज आपने आकर तो साबित कर दिया मेरे तबीतों को, क्योंकि आपने आकर जैसे ही कहा ना कि महाराज को क्यों उठाते हो, सवारी नीचे ले जाओ, तो मेरे मन में आया तभी तो भगवान ने इसको राजा बनाया है, क्योंकि उसको पता है दूसरों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। बात तो पूरी हो गई, लेकिन हम सभी के लिए जीवन की एक महान प्रेरणा इसमें छिपी हुई है, और वह है कि आदमी की जब भी पहचान होती है, न तो सुंदर चेहरे से पहचान होती है, न सुंदर आभूषणों से पहचान होती है, न सुंदर पहनावे से पहचान होती है, आदमी की जब भी पहचान होती है उसकी सुंदर जबान से होती है।